नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन इन चाइना में। तो दोस्तों आज जो है मैं चीन की बस में आपको सफ़र करवाने वाला हूं और इसमें किराया कितना लगता है और ड्राइवर का कैबिन कैसा होता है सब दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है ड्राइवर का कैबिन, उसके अंदर ही ड्राइवर बैठता है और इसके साथ ही राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये है एक कंडक्टर। तो इसमें जो है आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, कैश भी डाल सकते हैं। तो बस के अंदर कंडक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है और उसी के साथ साथ इसमें जो है बहुत खुला स्पेस रहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खाली बस चल रही है, बहुत कम लोग इसमें बैठे रहते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर बसें आती रहती हैं। दोस्तों मेरा हो गया लंच टाइम, मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए। कुछ ही देर में पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लंच किस तरह का होता है और हम इंडियन लोग कैसे चाइना में सर्वाइव करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मिलती है चाइनीज थाली और 15 RMB उसका प्राइस है भाई, 15 RMB। ये देखो 15 RMB में आप पेट भर के खा सकते हैं और बार बार ले सकते हैं यहाँ पे। और वॉइस कैसी आ रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आजकल ये वाला माइक यूज कर रहा हूँ। सो इस थाली में दोस्तों आपको मिलता है बहुत सारा अचार जो कि आपने लेफ्ट साइड पे देखा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलते हैं और आप जो है यहाँ से सब्जी और चावल कितनी भी बार ले सकते हैं। दोस्तों आज का खाना मैंने यहाँ पे बफे में खा लिया है भाई, मतलब तरह तरह की यहाँ पे सब्जियाँ वेज और नॉन वेज, मज़ा आ गया भाई। चाइना में ये लोग इतना सस्ता कैसे चला रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आया। ये देखो भाई, इसको बोलते हैं माला थांग, सारा वेजिटेरियन रहता है इसमें। ये देखो दोस्तों माला थांग। तो लंच के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एकदम से 12 बजे यहाँ पे चाइना में 12 बजे लंच होता है, जैसे इंडिया में हमारा 1-2 बजे होता है ना 12 बजे, तो ये 11:30 बजे 12:15 बजे एकदम से तैयार हो जाते हैं खाना खाने के लिए। तो जैसे ही लंच का टाइम होता है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं भाई लंच के टाइम। लंच को आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसे अपना होता है ना इंडिया में, हम लोग बोल देते हैं कि चलो यार अच्छा यार थोड़ा काम कर लेते हैं फिर बाद में खाना खा लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी, कब जब भी जिस भी कंपनी में, चाहे कितनी भी छोटी कंपनी हो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, 12 बजने से मतलब 10 मिनट पहले ही एकदम से खड़े हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे आपको देखिए तरह तरह के फ्रूट्स, तरह तरह के फ्रूट्स, आपको इसका जूस लेना है तो जूस भी मिल जाएगा और अगर कटे हुए फ्रूट्स चाहिए तो वो भी बना के मिल जाएंगे। बहुत सारे मैसेज आते थे कि रवि भाई चाइना में चाइनीज फूड दिखाओ, तो मैं आज यहाँ पे लेके आया था आज आपको ना, तो वहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के फूड मिल जाते हैं दोस्तों। कि जिस तरीके से मैं अंदर गया था आपको दिखाया, ये तो एक छोटा सा कॉर्नर था, ऐसे तो बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे, और उसमें जो है आपको वेज नॉन वेज हर तरीके की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। वेज में चाहिए तो आप जो है माला थांग जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। माला थांग में ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है 99% जो है अपना वेजिटेरियन होता है, उसमें अगर आप चाहते हैं कुछ ऐड करवाना चिकन या मटन तो करवा सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं करते हैं लोग तो भी चलता है। बस डिपेंड करता है आपको क्या खाना है, आप क्या खाना चाहते हो। ठीक है, पहले मैंने सोचा कि चलो यार मैकडोनल्ड में जाता हूँ, बट यार हर टाइम मतलब यार फास्ट फूड अच्छा नहीं रहता है सेहत के लिए। तो ये देखिए ये दोस्तों यहाँ पे कपड़े जो है ना आपको मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे प्राइस में। मॉल के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारी सेल चलती रहती हैं, तो वो लोग अपना माल निकाल के बाहर रख देते हैं ऐसे लटका के, और लोग खुद चूज़ करेंगे अपने हिसाब से और यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार मुझे, इनके पास स्टॉक तो काफ़ी अच्छा है यार। बट अभी मैं खाना खा के आया हूँ, ये बोले कि पैन की चेक कर लो, मैं बहुत लेजी सा हो गया हूँ, खाना खा के नींद आ रही है, तो पहले यार घर जाता हूँ फिर किसी दिन आ जाऊँगा यहाँ पे। और यहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों सामने ही स्टारबक्स कॉफ़ी है, बट वही है कॉफ़ी पीने से भाई बहुत दिक्कत होती है। ये देखो पीछे चल रहा है चोंच से चोंच मिला हो, चोंच से चोंच मिला। कॉफ़ी पीना आजकल जो है ये एक फैशन बन गया भाई, तो कॉफ़ी पीना ये कोई फैशन नहीं है, एक बीमारी है, बीमारी का घर है भाई कॉफ़ी, कोई सेफ चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। ये देखो दोस्तों BYD, इनकी गाड़ियाँ बहुत बढ़िया चल रही हैं आजकल चाइना में, काफ़ी मतलब अच्छी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं BYD वाले। सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट वाली गाड़ी रहती है ना, वो रहती है जिसमें कि इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ साथ जो उसमें इंजन भी है पेट्रोल भी है। अब जैसे मैं चंडीगढ़ में रहूँगा तो हम जब बिजली से उस गाड़ी को चला सकते हैं, पहाड़ों में जाना है तो अपना या कहीं बाहर जाना है तो हम जो इंजन का यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल डाल सकते हैं।
यहाँ पे जो है ट्रैफिक जैम ना लगे इसलिए पुलिस भी आती रहती है, ट्रैफिक पुलिस का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, चालान काटते रहते हैं। ये देखो भाई, और यहाँ पे KFC, पिज़्ज़ा हट ये सब कुछ है, लेकिन उसमें यार टेस्ट नहीं है यार वो जो टेस्ट होना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें चाइना में पिज़्ज़ा की, इंडिया में डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट है, यहाँ पे भी वही पिज़्ज़ा हट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो पिज़्ज़ा बनाते हैं ना भाई, उसमें वो ऊपर से जो मसाले डालते हैं वो मसाले आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, कोई भी मसाला नहीं मिलेगा। ये पिज़्ज़ा बना के सीधा ही रख देते हैं आपके सामने, खाओ खाओ भाई इसको। और जो घर पे आपके पिज़्ज़ा आता है वो भी बिल्कुल वैसे ही आता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा वो मसाले जो डाले जाते हैं ना ऊपर से, पेपर या बहुत सारी चीज़ें, हम लोग पैकेट छोटे छोटे है ना हमारे डब्बे में निकलते हैं, तो वो यहाँ पे कभी नहीं निकलते हैं। जब मैंने शुरुआती में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया चाइना में, मैं नया नया आया था तो चंडीगढ़ में पहले रहता था, तो बहुत सारे आदत थी कि यार पिज़्ज़ा खाने की, सड़क पर चलते चलते आप लोगों से बात करते करते अच्छा लगता है, लेकिन यार अभी मेरा फ़ोन ना हाईवे के ऊपर गिरने वाला था, गिर ही गया था हाथ से, मैंने कैच कर लिया। दिल की धड़कन अभी धक धक कर ही रही है यार, कुछ भी है यार, फ़ोन तो फ़ोन होता है, गिर जाए टूट जाए फिर बताओ यार, दोबारा से लेना पड़ता है ना। तो ये देखिए फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है चाइना में, और भाई ये यहाँ पे कुछ रोड है यहाँ के इस तरह से, और ये बस स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और बस आती है तो आपको इधर से चढ़ना होता है और यहीं से उतरते हैं, यहीं पे आके बस खड़ी होती है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो पुल है, पुल के नीचे बिल्कुल पेंट वेंट करके साफ करके मतलब रखते हैं प्रॉपरली, एक बैठने की जगह यहाँ पे बना दी जाती है, देखो पूरा मतलब बेंच वेंच लगा के यूटिलाइज कर लिया एरिया इन्होंने। इसके नीचे जैसे तंबू लगाना, झुग्गी झोंपड़ी बनाना वो सब मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं रहता है। लाइट ग्रीन हो गई है तो मुझे लगता है कुछ आगे चलना चाहिए। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे पूरे रोड के ऊपर एक लाल लाल से गोल गोल से लाटू से लगे हुए हैं भाई, रात को जब चमकते हैं ना सच में मतलब रोड की सुंदरता चारों तरफ मतलब बहुत सुंदर हो जाती है, इससे काफ़ी अच्छे हैं यार ये। और मतलब पता नहीं इतने पक्के लगाए हैं, कितनी भी हवा कितने भी तूफान आ जाए ये यहाँ से उखड़ते नहीं है। मैं वॉक कर रहा हूँ आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है एक बस स्टैंड ये जो बना हुआ, ठीक है, तो मुझे जाना उस तरफ है, तो यहाँ बस स्टैंड पर आके बस लूँगा। दोस्तों अगर मैं इस जगह से टैक्सी लेके अपनी कंपनी तक जाता हूँ तो पता है आपको कितने रुपए लगते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इस बस स्टैंड से मुझे जाना है वहाँ तक अपनी कंपनी, ठीक है, वो लास्ट में जो बिल्डिंग आपको यहाँ नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, यहाँ जाना है। बट अगर मैं अगर टैक्सी से जाता हूँ तो लगेंगे 10 RMB, मतलब 120 रुपये, और जाता हूँ अगर बस से तो भाई बस में लगेंगे अपने 2 RMB, 20-21 रुपये या 22 रुपये, है ना, तो बहुत फर्क रहता है, कहाँ 120 यार, कहाँ 22 रुपये, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई ये है यहाँ पर एक सिंपल सा बस स्टैंड, यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठना चाहे तो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, बस आएगी आप चढ़ जाओ बस में, बहुत इजी रहता है यहाँ पे चाइना में ट्रैवलिंग करना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लोगों को चाइनीज लैंग्वेज नहीं भी आती होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है ना, यहाँ पे आके आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो पूरे चाइना में। मैं अभी लंच करके आया हूँ भाई, मतलब सच में बताओ ना ऐसे निकाल के दिखाऊंगा, मेरी नींद आ रही है, बिल्कुल नशा सा हो गया ऐसा, मतलब ना नशा हो गया एकदम जैसा ऐसा फील हो रहा है। खाना खाया मैंने पूरा पेट भर भाई, अभी जाऊँगा मैं योगा सेंटर, ठीक है, वहाँ पे 2 योगा क्लास तो मेरी मॉर्निंग में होगी, अब बाकी बची हुई 2 क्लासें हैं जो कि आफ्टरनून में है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगा योगा सेंटर में, शाम को अपनी क्लासेस वासेस खत्म करके घर जाऊंगा, फिर घर पे जाके फिर वही काम धंधा शुरू करूंगा, क्योंकि अमन और योगिता यहाँ पे है नहीं, अकेला हूँ घर पे, तो मैं जब अकेला रहता हूँ तो सफाई सफाई करता हूँ बार बार घर पे, उसी में मन लगा रहता, नहीं तो यार बताओ यार अकेला क्या करेगा बंदा, पड़ा पड़ा भी बोर ही हो जाता है। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं बस में जाने वाला हूँ 2 RMB खर्चा करके, और बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं जो है वेट नहीं कर सकता क्योंकि लेट हो जाएगा तो मेरी योगा क्लासेस के लिए, तो अभी जा रहा हूँ टैक्सी में। टैक्सी में फिर भी वही 10 RMB पे करने ही पड़ेंगे, अबाउट 120 रुपये, वैसे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन वही है अपना, कभी कभी टाइम बचाना पड़ता है।
आपका कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।